नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री राम, जय महाकाल। इस वीडियो में जय महाकाल का नाम लेकर आ गया हूँ कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 हिंदी 24 मार्च का 110% रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। जी हाँ विद्यार्थियों, लर्न क्लब पर आपको सबसे पहले रियल पेपर प्रोवाइड करा जाता है और साथ ही में सबसे पहले ही सबसे सटीक उत्तर प्रोवाइड आपको करा जाते हैं। अभी मजा आएगा ना। आप देख सकते हैं विद्यार्थी, मेरे हाथ में यहाँ पर पूरा रियल पेपर है, देख लीजिए। सारी कोडिंग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, बारकोड भी आपको दी गया है जिससे यहाँ पर इसके रियल होने की पुष्टि यहाँ पर हो जाती है। सबसे पहले आपको लर्न क्लब पर ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाते हैं, फिर बाकी के जो चैनल है आपको इसकी कॉपी करते हुए दिख जाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको पूरा पेज यहाँ पर खोल कर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपका यहाँ पर दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया, इसके बाद आपका यहाँ पर ये चौथा पेज हो गया, ये छठवां पेज हो गया, इसके बाद आपका यहाँ पर सातवां पेज हो गया, ये आठवां पेज हो गया, और ये लास्ट में आपका यहाँ पर नौवां पेज हो गया। टोटल विद्यार्थियों आपके जो है 9 पेज है और आपके 23 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। सामने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 23 क्वेश्चन, 9 पेज, 80 नंबर का पेपर है। 3 घंटे मिलेंगे आपको इसे हल करने के लिए। तो विद्यार्थी, फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के लिए, हमारी मेहनत के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जी हाँ विद्यार्थियों, आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा तो जो है दूसरा सेट है। आप कमेंट करते रहते हो ना, हमें ए सेट चाहिए, हमें सी सेट चाहिए, हमें डी सेट चाहिए। रुको जरा, सबर करो। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है आपके सभी सेटों में जो है आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। इसमें से ही क्वेश्चन आपके सभी सेट के बनने वाले हैं। सिर्फ जो है क्वेश्चन यहाँ पर आगे पीछे हो सकते हैं और 2-4 क्वेश्चन जो है चेंज आपके हो सकते हैं। आपके जो है मेन या फिर अथवा में से किसी एक क्वेश्चन को चेंज यहाँ पर करा जा सकता है इसके जो अदर सेट है उसमें। तो विद्यार्थियों, आपको इस सेट को तैयार कर लेना है, मेन और अथवा सहित आपको क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ताकि यदि एकाध क्वेश्चन भी आपका चेंज हो जाए तो आप एक ना एक हल करो और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। विद्यार्थियों, गारंटी देता हूँ आपको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो को, ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारी इस मेहनत का लाभ मिल सके। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सही विकल्प का उत्तर देख लेते हैं। पहले का उत्तर आएगा रामचरितमानस। आप जो है क्वेश्चन को पढ़कर उत्तर याद करिएगा, क्योंकि बाकी सेट में जो है क्वेश्चन को जो है आगे पीछे कर सकता है, ताकि यदि आप क्वेश्चन को पढ़कर याद करोगे तो विद्यार्थियों आपको इजीली सॉल्व करते बन जाएगा। चलिए बढ़ते हम यहाँ पर अगले पेज की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों, दूसरे का उत्तर यहाँ पर आएगा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे का उत्तर आएगा चारू चंद्र की चंचल किरण, चौथे का उत्तर आएगा गधा, पाँचवें का उत्तर आ जाएगा शब्द, छठवें का उत्तर आ जाएगा 1 घंटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थान में सही शब्द आपको चुनकर लिखना है। पहले का उत्तर आ जाएगा भक्ति काल, इसके बाद यहाँ पर आपका दूसरे का उत्तर आ जाएगा विभत सरस, तीसरे का उत्तर आएगा रूपक, चौथे का उत्तर आएगा ऊंचा, पांचवें का उत्तर आपका आ जाएगा विदुषी, छठवें का उत्तर आएगा आई, सातवें का उत्तर यहाँ पर आ जाएगा साहब। अब प्रश्न 3 में हम आपको जो है सही जोड़ी बनानी है। तो देख लीजिए विद्यार्थियों, इस तरीके से आप जो है सही जोड़ी बना देंगे, 6 अंक यहाँ पर जो है प्रश्न रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं, एक शब्द फिर वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहले का उत्तर आएगा कबीरदास, दूसरे का उत्तर आ जाएगा 3। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आपका जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आएगा रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टदाज कहते हैं।
चौथे का उत्तर आएगा 3, पांचवे का उत्तर जाएगा 1 रोटी, छठवे का उत्तर आएगा क्योंकि नानी स्वर्ग सिधार गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सत्य या फिर असत्य चुनकर आपको लिखना है। 7 अंक का प्रश्न रहने वाला है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवा असत्य रहेगा, इसके विपरीत दूसरा, चौथा और छठवा आपका सत्य रहने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते 6 से लेकर 30 तक के प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न छठवा आपको दिया है, आदि काल को वीरगाथा काल को कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है सारे प्रश्न को उत्तर ढूंढ कर लाया हूँ, लिखवा कर लाया हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इस तरीके से विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए जो है पूरा उत्तर यहाँ पर निकाल कर ला लिया हूँ। तो अब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न छठवा आपको दिया था, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। तो देख लीजिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपके सामने दिया गया है, पूरा उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका अथवा वाला क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको पहले कहा हूँ कि आपको मेन और अथवा दोनों आपको तैयार कर लेना है। भक्ति कांड को स्वर्ग युग स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, ये आपका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न छठवे का अथवा का पूरा उत्तर आप रट लेंगे, बिल्कुल आपको विद्यार्थियों रातों रात इसे रट लेना है, याद आपको कर लेना है। इसके बाद प्रश्न सातवा आपको दिया है, नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आपके सामने यहाँ पर दिए गए है, ये देख लीजिए विद्यार्थियों, ये सारी विशेषताएं आपको दी गई है, पूरे पॉइंट आप विशेषताएं आप लिख देंगे। इसके अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, प्रगतिवाद की दो विशेषता लिखते हुए एक कवि का नाम लिखिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, ये आपका इसका उत्तर यहाँ पर दी गया है, प्रगतिवाद की विशेषता और उनके कवि का नाम हमने लिख दिया है। अब विद्यार्थियों प्रश्न 8वां को दिया है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, ये आपका आंसर यहाँ पर दिया है, पूरा आंसर आप देख कर बिल्कुल रट लेंगे, याद आपको कर लेना है। अब यहाँ पर इसका अथवा क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, आपका प्रश्न 8वें का उत्तर, पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख लेंगे और लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 9वां को दिया, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर दी गई है शांत रस की परिभाषा। तो ये सबसे पहले आप परिभाषा देख लीजिए, पूरा विद्यार्थियों आपको फटाफट इन्हें रट लेने हैं, याद आपको कर लेने हैं। और ये देखिए विद्यार्थियों, इसको उदाहरण आप जो है पूरा यहाँ पर देख कर बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल विद्यार्थियों आपको रट लेना है। इसका अथवा क्वेश्चन है, विभाव व अनुभाव में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये देखिए विद्यार्थियों, ये दिया गया है इसका आंसर, विभाव और अनुभाव में अंतर। तो तीनों पॉइंट को विद्यार्थियों आप याद कर लेंगे ताकि आपको पूर्व में से पूरे नंबर मिल सके। प्रश्न 9वें का अथवा है ये। अब इसका 10वां क्वेश्चन दिया है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा देखिए, ये आपको दी गई है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। इसका अथवा क्वेश्चन है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव के नाम लिखिए। तो चलिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों, रस के प्रकार यहाँ पर लिखे गए हैं और उनके स्थायी भाव का नाम लिखे गए हैं, बिल्कुल विद्यार्थियों आप इन्हें रट लेंगे, परीक्षा में इसी से क्वेश्चन पूछ जाना है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है, गया ने वेल को शरारत के लिए क्या सजा दी थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, उसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न 11वें का पूरा उत्तर आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसका अथवा क्वेश्चन है, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, मैना की अंतिम इच्छा की क्या थी वाला एक प्रश्न का पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके आगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर आप पूरा लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वें क्वेश्चन है, कांजी हाउस में
पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो ये दिए, तो देखिए विद्यार्थी, तो ये रहा आपका यहाँ पर आंसर, पूरा आंसर आप यहाँ पर देखकर लिख देंगे। अब आपका यहाँ पर इसी का आठवां क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थी, ये इसको उत्तर प्रश्न और उसको उत्तर आप देखकर यहाँ पर लिख लेंगे। 13वां क्वेश्चन है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। ठीक है, तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, इस प्रकार विद्यार्थियों आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर यहाँ पर लिख देना है। तीनों पॉइंट आप बिल्कुल याद कर लेंगे आप। इसका अगला क्वेश्चन है, एकांकी एवं नाटक में अंतर लिखिए कोई दो। देख लेते हैं एकांकी व नाटक में अंतर। तो ये रहा विद्यार्थी एकांकी और नाटक में अंतर, कोई दो अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 14वां आपको दिया है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो देखते हैं हम संधि की परिभाषा और प्रकार, इसी का अथवा निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरे आंसर यहाँ पर यह प्रश्न 14 संधि की परिभाषा प्रकार लिख दिया और इसका 14वां का अथवा वाला है निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। अब दो नंबर में विद्यार्थियों आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 15वां, भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, इसका पूरा उत्तर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, इसका पूरा आंसर, ठीक है, फटाफट विद्यार्थियों आप इन्हें रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपको मैंने आपकी हिंदी के रियल पेपर का प्रश्न 1 से लेकर 15 तक का, यानी कि 2 अंक के प्रश्न तक का फुल सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया हूं। इसके आगे आने वाले वीडियोस में आपको प्रश्न 16 से लेकर विद्यार्थियों आपको 23 तक का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों आप इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। जैसे ही टारगेट कंप्लीट होता है विद्यार्थियों, आपके लिए फटाक से यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट भी ला दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तक लीजिए जय भारत।